भी है यहाँ पे थी और काफी अजीब देखने से लग रही है। और सभी कहते कि मेरे बाबू, सामने से ये भी कहता कि भाई भाई मेरी बीबी हो, मरने की बारी आ चुकी है। वो सामने से जोर अटैक ग्रेट पातोन यहाँ पे तैयार कर लेता है और कहते ले सलीमर और ढाम से अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन अटैक लगती नहीं है क्योंकि अटैक लगने से पहले कर्ज लग जाता है। हमारे हैंड उसके ऊपर कर्ज लगा दिया था, वो भी सोचते कि साला भाई कौन कमीना हराम ज्यादा भी इतने दिनों से कर्ज यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिस दिन मालूम चलेगा ना उसकी बैंड बजा दूंगा। डीएनसो जैसे सुनता भी कर्ज, अरे मेरे पीछे भी किसी कमाल की इमोर्टल ने कर्ज यहाँ पे लगाया था। हाँ उसको तो ऐसा लगता भी कोई इमोर्टल है जो इसके पीछे कर्ज यहाँ पे लगा रहा, इसलिए इसने जाके इंसानों के साथ दोस्ती कर ली थी तो हैंड ने कर्ज लगाना बंद कर दिया था। इसको भी लगता हाँ कोई इमोर्टल लगा रहा है और ये नहीं रुका तो पक्का ना भाई इसकी तो मौत हो जाएगी, तो एक काम कर दो जब तक के लिए आप इसका गुलाम बन जाता हूँ। इसलिए कहते सुनिए द ग्रेट पैटर्न, मैं हार मानता हूँ और आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। जो सुन वो भी कहता है गुड गुड, तूने बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला यहाँ पे लिया, लेकिन उससे पहले अपन तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो किसी एक ऐसे लड़के को यहाँ पे जानता है जो आधा इंसान है और आधा यहाँ पे डेमोन है, यांग के बारे में पूछा था, उसके फोटो दिखाता है और कहता हाँ भाई ये रहा, तू इसको जानता है? वो जैसे देखता है देखते हो कहता हाँ भाई ये मेरा बेटा, यार मतलब मेरा खुद का बेटा नहीं है, मैंने अडॉप्ट किया था, हाँ तू मेरा सौतेला बेटा कह सकता है, क्या हो भाई तू इसके बारे में कहीं को पूछ रहा है? जैसे वो गेट पाता हूँ सुनता है क्योंकि भाई उसने भी इसको अपना बेटा बनाया था ना, तो गुस्सा आ जाता है भाई एक और बाप उसने बना लिया और गुस्से के मारे उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। हाँ और डीएनसो की जान निकाल लेता है, उसकी बीबी हिल जाती है कि बाबू। तो जो आत्मा यहाँ पे था ना डीएनसो का, वो जोर से चिल्ला तो कहते साले भाई गद्दारी कर भाई, यार मैंने तो हार यहाँ पे मान लिया था, सरेंडर भी यहाँ पे कर दिया था, तो मेरी जान निकालना जरूरी था क्या भाई? यार सामने से भाई यांग ने तुझे परेशान किया होगा, मैंने थोड़ी ना किया था। जो सुनते सामने से गेट पाया तो ना कहता है उस यांग के बच्चे ने मालूम है क्या किया था भाई, वो मेरा भी बेटा बन गया था, हाँ मैं भी उसका बाप यहाँ पे बना था, पहले तो बाप बना मेरे साथ रहा और बाद में उसने मेरे साथ गद्दारी की, हाँ किसी और के साथ हाथ मिला के मेरे ऊपर अटैक करने की यहाँ पे कोशिश की। सुन आज से तुम, मैंने मार भले दिया लेकिन तेरी आत्मा को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ किया हो यांग को बचाने की यहाँ पे कोशिश की ना, अपन तेरी भी जान यहाँ पे, मतलब तेरा जो आत्मा ना तेरी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा, जिससे ना तो किसी और की बॉडी पे कब्जा कर पाएगा और ना ही तो यहाँ पे पुनर्जन्म ले पाएगा। चलो भाई जाओ, वो जो भी यांग का बच्चा ना कहीं भी हो जाए उसको यहाँ पे ढूंढो और ढूंढने को देना मारो, उसकी हिम्मत कैसे भाई मेरे अलावा भी किसी को अपना बाप बनाने की। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है यांग की और जो सजा उसको मिली थी 5 सालों के लिए मेरे सेट के बारे में, मेरे केव के बाद चिल्ला के भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती होगी। तो सेम अपना काम यहाँ पे किया जा रहा था, उतने में गेट पैटर्न अपने सारे बंदों के साथ आ जाता है। गेट पैटर्न कहता वही तो मैं सोचो भाई यहाँ के बच्चे तू कहाँ बच के मेरे हाथों से निकल गया, तो कहीं और नहीं बल्कि इस पिद्दू सा सेट में यहाँ पर आया है, कोई बात नहीं आज नहीं बचेगा। सामने से यांग भी हिल जाता है कि मम्मी रो, ग्रेट पैथन यहाँ पर आ गया और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन आ चुका है, देखते भाई हैनी इसके साथ जो फाइट करेगा तो वो फाइट कैसा होगा। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।